सारा प्रणाम, मैं हूं कालिका जैन। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जी हां, दिल्ली के ग्रीन पार्क के दो आरोपियों ने समय पर सरेंडर किया। हरपाल और नादिर ने समय के स्टूडियो में सरेंडर किया। फिलहाल समय ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को तुरंत सूचना दी तथा समय ने अपना कर्तव्य भी याद रखा और दिल्ली पुलिस के आते ही आरोपियों को उन्हें सौंप दिया। जी हां, गाड़ी बुला रही है। दरअसल आज मौका ही रेलवे को टटोलने का है। रेल मंत्री ने आज बजट पेश किया है, हम पूरी रेलवे को पेश कर रहे हैं, लेकिन जरा नए अंदाज में। भारतीय रेल यूं तो लाखों मुसाफिरों को रोज इधर से उधर पहुंचाती है और इस दौरान कई अफसाने भी घटते हैं। बात अगर हंसी फसानों की करें तो याद कीजिए फिल्म पाकीजा और वो डायलॉग जो आज भी लोगों के दिलों को धड़का देता है। मनु जी, लेखन से आपका रिश्ता नाता और जुड़ाव शुरू से ही रहा है, तो लेखन की रुचि आप में क्या बचपन से ही जागृत हुई थी या फिर आपने इसको विकसित किया, क्या कुछ रहा आपका सफर? नहीं, बचपन से तो बिल्कुल नहीं थी। यूँ जैसे स्कूल की मैगजीन में कुछ लिख दिया हो, वो बात अलग है। आपके लेखन को देख करके उससे इतना ज्यादा रामधारी सिंह दिनकर जी प्रभावित हो गए कि वो कह गए कि पद्मा सचदेव के लेखन को देख के मुझे लगता है कि मैं अपनी कलम फेंक दूं। शोभना जी, आपको कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है, ये उपाधि मिलने से पहले आपने कभी कल्पना की थी कि आप कभी यहाँ पे आके खड़ी हो जाएंगी? देखिए, बचपन से मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि मुझे नृत्य का बहुत शौक है, लेकिन एक एडवांटेज तो आपको ये भी मिला, चूंकि आप गुरुदत्त के परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, आपकी माँ भी एक बहुत उन्होंने नाम कमाया हुआ है, वो खुद एक पेंटर है, तो इस चीज का आपको आप मानते हैं कि एडवांटेज मिला है? नहीं। नीना जी, जीवन के इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद अपने आप को संतुलित रखना किस तरह से आपके लिए मुमकिन हो पाता है? कालिका जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मैंने ये जो है आज जो मुझे देख रही हैं आज, वो किसी की देन है। कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर उसके कानों में कहता है कि तुम विशेष हो, कुछ इसे समझ पाते हैं तो कुछ नहीं। शकुंतला देवी उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुद पर यकीन किया। भारत ने विश्व को शून्य दिया, नागार्जुन ने गणित का महारत दिया, तो शकुंतला देवी से हमें अंकों की जादूगरी मिली। ये छवि जो हम लोग अब देख पाते हैं वो चंचलता से लिपटी हुई है, तो क्या बचपन भी आपका वैसे ही चंचल चुलबुला सा था या फिर आप शांत शिथिल सी थी? नहीं नहीं, शांत शिथिल तो मुझे नहीं लगता। मित्रा जी, लेखक को हिंदी साहित्य की दुनिया में आप कहाँ देखती हैं और क्या मानती हैं कि उनका क्या दर्जा है? मुझे लगता है कि लेखक जब भी लिखना शुरू करता है या उसे ये छटपटाहट होती है कि वो लिखे बिना नहीं रह सकता, तो वो लिखना शुरू करता है। महिला के रूप में इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कृष्णा जी, विभाजन के वक्त का कितना प्रभाव पड़ा आपके अवचेतन मन पर जो जिसने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया? देखिए, वो एक ऐसा माइलस्टोन था क्योंकि वो जुड़ा हुआ था हमारी आजादी के साथ भी। शिखा जी, आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट दोनों से जाना जाता है, आप क्या कहलाना पसंद करती हैं और किस चीज से खुद को ज्यादा जोड़ पाती हैं? मैंने बेसिकली मेडिसिन पढ़ा है। आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिनका रुतबा, जिनका नाम, शोहरत पहले से ही भारतीय सिनेमा जगत में शिखर पे पहुंचा हुआ है, इसका कितना फायदा मिला आपको या सच पूछें तो कितनी सीख आप निचोड़ पाए इससे? मैंने बस यही सीखा है उनसे कि जो भी काम करो एक सच्चाई के साथ करो और एक 100% करो या तो मत करो। समय का चक्र इतिहास बना रहा है और ये महिलाएं अब नायिका बन गई हैं। बहरहाल, महिलाओं का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने इरादों के बूते कारोबार खड़े किए हैं और आर्थिक और व्यावसायिक जगत में अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। फैशन हर दौर में युवाओं में एक पैशन और इसे इजाद करने वालों में एक जुनून रहा है। अच्छा फैशन हर मौसम के साथ हर इंसान के हिसाब से बदलता है। ऋतु कुमार ने अपने डिजाइन में हर मौसम हर देश के रंग दिए जो उन्हें आज एक फैशन डिजाइनर के रूप में स्थापित करता है। इस अनंत सितारे के आसमां में किसी और सितारे को इसी जमीन पर तलाशने हम फिर निकलेंगे। आप बने रहिए समय के साथ।